हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्कूल हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 1.1, हमने कर लिया था पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन कर लिया था इससे पीछे वाली क्लास में। आज अपन पढ़ने वाले हैं चौथा पांचवा छठा सातवां, इस क्लास में इस एक्सरसाइज को कम्प्लीट कर लेंगे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। वैसे हमारी क्लास डेली रहती है कंटिन्यू, शाम को 4 बजे क्लास अपलोड कर देते हैं, आ जाती है आपके पास में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्लास को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के पास। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमने पढ़ लिया था 3 नंबर क्वेश्चन तक, आज हमारा 4 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। 4 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, आपको HCF दे रखा है 306 और 657 का 9 दे रखा है, LCM हमें इसका निकालना है। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिएगा। सबसे पहले करते हैं इसका हल। लिखोगे कैसे? दिया है 306 व 657 का HCF बराबर 9 है। ठीक, 306 व 657 का HCF 9 दे रखा है, हमें निकालना क्या है, ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, लिखेंगे 306 व 657 का HCF, 306 व 657 का LCM, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब अपन जानते हैं, जैसा कि हमने इससे पीछे वाली क्लास में हमने पढ़ा था, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई बराबर होता है HCF गुणा LCM के। लेखो, हम जानते हैं कि नंबर वन मल्टीप्लाई नंबर टू बराबर होता है HCF गुणा LCM। अब हमें N1 का मान, N2 का मान हमें प्राप्त है, HCF का मान प्राप्त है, LCM का मान निकालना है, तो लिख देंगे यहाँ से। लिखोगे LCM बराबर होता है नंबर वन मल्टीप्लाई नंबर टू डिवाइड में HCF। इज दैट क्लियर? पहला नंबर क्या है, 306 है, दूसरा नंबर क्या है, 657 है, और इसमें भाग किसका देना है, HCF कितना दे रखा है हमें, 9 दे रखा है, 9 का भाग लगाना है। किसका भाग लगाना है, 9 का लगाना है, बस 9 के पाड़े से काट दो इनको। तो 9 एकम 9, इसको काटेंगे तो 9 6 54, 9 7 63, 7 बार चला जाएगा, 2 बचेगा 27, 9 3 27 73। क्या करना है, 306 का गुणा 73 के साथ में करना है, किसके साथ में करना है, 73 के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो कीजिए, 22338 आएगा शायद, मुझे लगता है, जहां तक मेरा अनुमान है 22338 आएगा, 306 गुणा 73। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, HCF हो गया, सॉरी LCM हो गया। ठीक है, LCM हमें निकालना था, जो कि हमने निकाल दिया इजिली। इस प्रकार से मेन एग्जाम में करना है, भी फुल में से फुल नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ गया, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पॉज करके ले लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n, यहाँ पे क्या बेटा, 6 की घात n है। ठीक है, यहाँ पे 6 की घात n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। हल, जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, वहां पे 4 की घात में था, यहाँ पे 6 की घात में है। वहां पे हमने लिखा था 4 की घात n शून्य पे समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी संख्या के 0 पे समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना अति आवश्यक है, 2 और 5 के अलावा 0 नहीं बन सकता। तो
तो यहाँ पे देखो छः का अबाज्य गुणनखंड करूँ मैं, छः को लिखूँगा दो गुणा तीन, तो इसमें दो तो आ गया लेकिन पाँच नहीं आया, पाँच नहीं आया, इसलिए यहाँ पे जीरो नहीं बनेगा। चाहे n का मान आप कितना भी रख लेना जीरो नहीं बनेगा। तो वही बात यहाँ पे दोहराते हैं, जो सेम जितना काम हमने उस एग्जाम्पल में किया था सेम का सेम यहाँ पे लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ, थोड़ा नीचे लिख दो क्या, नीचे वाला लाइन में लिख देंगे, लिखोगे यहाँ 6 की घात n, n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान पर शून्य पर समाप्त तो नहीं होगा, पर शून्य यानी जीरो पर समाप्त, जीरो पर समाप्त नहीं होगा। समझिए क्या बोल रहा है कि 6 की घात n के किसी भी मान पर शून्य पर समाप्त, n के किसी भी मान पर शून्य पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या के, क्योंकि यहां पे लिख दो, इसको इरेज कर रहा हूं, क्योंकि 6 की घात ऐसे लिखो, क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में दो गुणा तीन है, ठीक, 6 के अभाज्य गुणनखंड में दो गुणा तीन है और शून्य पर समाप्त होने के लिए, और शून्य पर समाप्त होने के लिए, होने के लिए दो गुणा पाँच का होना जरूरी है। देखो प्रत्येक क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग हो सकती है, अगर आपको किसी टीचर ने पढ़ाया तो थोड़ा लैंग्वेज को चेंज कर दिया होगा, मान यही है, ठीक, इसी प्रकार से करना है, लैंग्वेज थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, जैसे मैंने उदाहरण में करवाया होगा थोड़ी लैंग्वेज आगे पीछे होगी, यहाँ पे थोड़ा अलग हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, उससे कन्फ्यूज नहीं होना है कि सर ने वहाँ पे क्या करवा दिया, यहाँ पे क्या करवा दिया, और हमारे टीचर ने क्लासरूम में क्या पढ़ाया था, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है उस चीज़ पर। जो भी टीचर पढ़ाते हैं एकदम सही पढ़ाते, ये जो बात लिखवाई है वो आप लिख देना, आपके फुल में से फुल मार्क्स आ जाएंगे। वैसे मेरा मकसद ये है कि आपके बात समझ में आनी चाहिए कि जीरो कब बनता है, ठीक, तो जो बात आपके समझ में आ गई हो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इजिली, ज़्यादा फास्ट नहीं चल रहा, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, एक क्लास में तीन चार क्वेश्चन ही करवा रहे हैं और हमारा सिलेबस भी इसी प्रकार से चलेगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, दो ढाई तीन महीने के अंदर अपन सिलेबस को कंप्लीट भी कर लेंगे इजिली। देखिए व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं। हमने इस पे काफी चर्चा भी कर ली कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, दो से ज्यादा भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनके दो से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड हो। जैसे आपने लिख दिया 6 का, 6 का करोगे तो 1 × 2 × 3 भाज्य संख्याओं के दो से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड होंगे, ये श्योर बात है, ठीक, अभाज्य संख्याओं के दो ही गुणनखंड होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, एक नंबर का आता है कि अभाज्य संख्याओं के अधिकतम गुणनखंड कितने हो सकते हैं, तो दो हो सकते हैं, अधिकतम दो गुणनखंड हो सकते हैं अभाज्य संख्याओं के, समझ गए, चलो ठीक है, इतना समझ गए तो एक बार इसको इरेज कर देते हैं। फिर लिखेंगे यहां से आपको ये बताना है, इसका लिखोगे हल तो लिखोगे दिया है, लिखोगे यहां 7 गुणा
11 गुणा 13 प्लस 13। तो अब यहाँ से कॉमन ले लो, 13 कॉमन आएगा, रिजल्ट क्या बचेगा, 7 गुणा 11, 7 गुणा 11, 13 तो मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से भी ले लिया, यहाँ पे गुणा 1 बच गया और प्लस में यहाँ पे 1 बच गया। ये बात समझ में आई क्या? 13 की जगह 13 को तो मैंने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो 13 की जगह 1 ही बचेगा, ठीक है। 13 ये कितना है, 7 गुणा 11, 11 सते 77 गुणा 1, तो ये तो 77 ही रहेगा, 77, और प्लस में 1 चल रहा है। इसको आगे हल करना चाहो तो कर सकते हैं, अन्यथा यहीं पे बता सकते हैं। चलो ये तो सिंपल सा है, हल कर देते हैं, लेकिन कई बार बड़ी संख्या आ जाती है तो उसको कैसे हैंडल करना है वो इसी के दूसरे पार्ट में बताने वाला हूँ। 13 70 और 1 कितना हो गया, 78 हो गया, और बेटा इसके गुणा में 1 लगा सकता हूँ, इसके गुणा में 1 लगा सकते हैं, होता है हमेशा, सभी संख्याओं के गुणा में 1 होता है, 1 के गुणा में 1 है, 2 के गुणा में 1 है, 3 के गुणा, जितनी भी संख्याएं हैं उस सभी के गुणा में 1 होता है। तो लिखोगे यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, अभी 78 के गुणा और हो सकते हैं, 78 को और तोड़ सकते हो आप, कैसे तोड़ सकते हैं बताइए, 2 का भाग जा रहा है 78 में, 2 का भाग जाएगा तो 2 3 6 9 2 18, फिर इसमें 3 का जाएगा क्या, 3 3 9 13, इस प्रकार से आगे और तोड़ सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये रिजल्ट, अब तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए इसके, 1 13 यहाँ पे आ गया, 1 13 यहाँ पे आ गया, सिंपल सी बात है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13, तो ये तो अब तो हो ही गया। ठीक है, तो लिखोगे यह एक भाज्य संख्या है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि यहाँ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा है, ठीक है। अब इसको उठा के थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, ये पूरा कवर हो गया क्या, एक बार इसको छोड़े, इसको उठा लेते हैं, चलो इसको यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे 3 लगाना था क्या, यहाँ पे 3 था और यहाँ। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं, देखो दूसरे पार्ट को क्या दे, दूसरे पार्ट में क्या दे रखा है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 दे रखा है। इसको भी बताना है ये भाज्य क्यों है, इसको तो हमने बता दिया कि इसके यहाँ ये भाज्य संख्या है, क्योंकि यहाँ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा होगी तो वो भाज्य संख्या श्योर होगी। चलो इसमें 5 को मना रहा है सर जी, दोनों से यहाँ पे भी 5 विराजमान है, प्लस में यहाँ पे भी 5 विराजमान है, आपने 5 बाहर निकाल लिया, ये रिजल्ट क्या बच गया, 7 गुणा 6 गुणा, अब 5 की जगह 5 तो कॉमन ले लिया तो 1 आएगा, 1 लगाएं कि नहीं लगाएं, ठीक है, आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, अगर आप नहीं लगाओगे तो भी काम चलेगा, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, से तो 5 तो बाहर चला गया, 1 बच गया। यहाँ पे लगाना जरूरी है कि सर जी यहाँ पे नहीं लगाएं, क्योंकि ये प्लस में है 1,
गुणा में एक लगाएं चाहे ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लस वाला एक है ये लगाना जरूरी है। ठीक, अब देखो इसका मल्टीप्लाई अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा मल्टीप्लाई है मत कीजिए, यहीं पे कर देते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक लाइन और लिखता हूँ, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7 × 6 = 42 हो गया क्या? 42 का मल्टीप्लाई 4 × 12 = 24 के साथ में करना है, कर लेते हैं। 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, 2 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 8 × 0 = 10, 1008 कितना आ गया? 1008 प्लस में एक, तो रिजल्ट कितना आएगा? 5 × 1009, 1008 प्लस में 1009 हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे? 1 × 5 × 1009, 1009 को तोड़ने मत लग जाना, शायद नहीं टूटेगा आपसे, तो इस पे इतनी मेहनत मत करना, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, इतना ही, इतने से हमारा काम चल रहा है। तो लिखेंगे ये भी एक भाज्य संख्या होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 से ज़्यादा है। लिखोगे यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि यहाँ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की संख्या 2 से ज़्यादा है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 से ज़्यादा है। बात समझ में आई क्या? अच्छे से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है लेकिन है बहुत इजी। देखो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, चारों ओर का देखा होगा आपने खेल ग्राउंड, उसके चारों ओर का रास्ता भी देखा होगा, वर्ताकार ट्रैक जिसको बोलते हैं, जिसपे फौजी दौड़ लगाते हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे? एक बार देखो, ये वर्ताकार पथ है, अपन बना लेते हैं यहां से वर्ताकार पथ। ये बना लिया, ठीक है, ये राउंड इस प्रकार का कोई खेल ग्राउंड है, उसके चारों ओर एक रास्ता है, इस पे लगाएंगे कोई, अरे इसको उठाएं कैसे, इसके अंदर तो नहीं बनेगा शायद, इसको गया, चलो ये तो हो गया इसकी कॉपी, ये ऐसे हो जाए, ठीक ठीक ठीक, इसको डिलीट करते हैं। देखते हैं बन जाएगा शायद, ये शायद नहीं बनेगा, चलो एक बार इरेज कर देते हैं, इसको काट देते हैं। अब देखिएगा, हमने ये खेल ग्राउंड बना दिया वर्ताकार, थोड़ी सी मेहनत जरूर लगी लेकिन धीरे धीरे सीख जाएंगे, ये हमारी दूसरी तीसरी क्लास है फिलहाल, तो ऐसे ही सीखेंगे। अब देखो यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से सोनिया और एक कौन है, रवि है क्या इसी में, रहा एक रवि है एक सोनिया है, दोनों चक्कर लगाना शुरू करते हैं और इसी दिशा में जा रहे हैं दोनों, ठीक है, यहाँ से चक्कर लगा रहे हैं। अब सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं, ये पूछना ये चाह रहा है कि वापिस यहाँ पे भागते 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 आएंगे, एक चक्कर मारेंगे फिर कोई दूसरा चक्कर मारेंगे, तो बताइए वो पुनः इस बिंदु पे एक साथ कब मिल सकते हैं, ये पूछना चाह रहा है।
तो इस कंडीशन में हमें क्या निकालना होता है, इसका एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, तो लिखेंगे पहले यहां पे सॉल्यूशन क्या है, हल दिया है, दिया है सोनिया, सोनिया एक चक्कर पूरा करती है। ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा इज्जत देने के लिए बात लिखो, और अन्यथा क्वेश्चन तो चुटकियों में हल हो जाता, ताकि आप जब भी बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो इज्जत के साथ में पेश आना है, प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में इज्जत के साथ में उसको सॉल्यूशन करना है अच्छे से। दिया है सोनिया एक चक्कर पूरा करती है बराबर 18 मिनट, 18 मिनट में, तथा रवि लड़का है थोड़ा फास्ट भागता है, तथा रवि एक चक्कर पूरा करता है बराबर 12 मिनट, 12 मिनट में रवि एक चक्कर पूरा करता है बराबर 12 मिनट में। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, ये पूछना क्या चाह रहा है, कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे बराबर, ये निकालने के लिए उसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो लिखेंगे अब वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे बराबर 18 और 12 का एलसीएम। ठीक है, ये मैंने लिखा है कि वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे कब मिलेंगे, जब 18 और 12 का एलसीएम आएगा उसके बराबर मिलेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब 18 के है भाजक गुणनखंड करते हैं, 18 के करोगे तो 2 का भाग जाएगा 9 बार जाएगा, 3 का भाग जाएगा 3 बार, 3 का भाग जाएगा 1 बार, 12 के कर दो है भाजक गुणनखंड। ये आपको आकृति मेन एग्जाम में नहीं बनानी है, आपको समझाने के लिए मैंने बना दिया। 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। 18 को लिखेंगे आप 2 × 3 × 3, और आप 12 को लिखेंगे 12 बराबर आप लिखेंगे 2 × 2 × 3। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन तो ये आ रहा है, लेकिन हमें तो कॉमन वाला निकालना नहीं, हमें तो एलसीएम निकालना है, हमें तो एलसीएम निकालना है। तो लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 अधिकतम कितनी बार आया, 2 बार आया सर जी, गुणा में 2, गुणा में 3 अधिकतम 2 बार आया, रिजल्ट कितना आ गया, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 और 12 × 3 = 36। तो 36 मिनट, मिनट दे रखा है हमें, तो समय मिनट मिनट में दे रखा है, घंटे में नहीं, सेकंड में नहीं दे रखा, तो मिनट में ही आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे। 36 मिनट के बाद में सोनिया तो 2 चक्कर लगा लेगी 18-18 मिनट के, और रवि है वो 3 चक्कर लगा लेगा 12-12 मिनट के, तो दोबारा वो उस स्थान पे आ जाएंगे, रवि 3 चक्कर लगाएगा और सोनिया 2 चक्कर लगाएगी। इसका आप अच्छे से
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाती है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सभी स्टूडेंट करेंगे। जितने भी अपने फ्रेंड सर्कल में ग्रुप बना रखे हैं आपने, फेसबुक है, जो भी है, व्हाट्सअप चलता है, इंस्टाग्राम है, या क्लासरूम के अंदर जाते हो, तो अपने फ्रेंड को जरूर बताना कि इस प्रकार से चैनल बना हुआ है स्कूल हब के नाम से, उस पर सारी क्लासें आ रही है। बिल्कुल कंटिन्यू क्लासें हमारी चलती रहेगी, जब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे तब तक हमारी क्लासें कंटिन्यू आपके लिए अवेलेबल रहेगी। आप अच्छे से देख सकते हैं, कभी भी कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो अच्छे से आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, और फिर भी आपके पास में बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, आप उसको दोबारा देख सकते हो, तीन बार देख सकते हो, चार बार देख सकते हो, जब तक समझ में नहीं आए उसको देखते जाना। लेकिन मेन ये है कि आपको खुद को प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जब भी मेरी वीडियो देखो तो आपके हाथ में पेन और कॉपी होना चाहिए, साथ साथ में आप नोट करते चलें। आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट चला गया तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसको, आप खुद अपने हाथों से एक दो बार दोहरा सकते हैं ताकि वो अच्छे से आपके याद हो जाए, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की क्लास में इतना ही, पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।